अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुसरत है और हमेशा की तरह आज भी ना आपके लिए बहुत ही इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो हम बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में नाश्ते के लिए या फिर इवनिंग स्नैक तौर पे भी हम बना सकते हैं। 3-in-1 है ये और बहुत ही इजीली बनकर के तैयार हो जाती है और हेल्दी भी बहुत है। इसके लिए मैंने 1 कप भर के चाय का कप जो आता है वो भर के नॉर्मल गेहूँ का आटा ले लिया है और 2 चम्मच मोटी वाली सूजी ले ली है और 2 ही चम्मच भर के बेसन ले लिया है मैंने। और इसके अंदर हम ना टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और इसमें 1 इंग्रेडिएंट और जाएगा, कोरिएंडर लीफ, फ्रेश कोरिएंडर लीफ डाल देंगे और इसको अच्छे से एकदम मिक्स कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी हेल्दी तो है ही, साथ में टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। आप अगर एक बार बनाएंगे ना तो आपके बच्चे बार बार यही मांगेंगे। अब ना हम इसके अंदर पानी डाल के पतला सा घोल बनाएंगे, एकदम चीले से थोड़ा पतला बनाएंगे हम घोल, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी डाली है तो सूजी क्या करेगी ना, पानी पी लेगी। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा देर भी आप रेस्ट दे सकते हैं। अब क्या करेंगे ना, एक बहुत ही मस्त सा मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 1 चम्मच भर के तेल डाल दिया है और 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर राई, 1/2 चम्मच ही भर के हम जीरा डालेंगे और 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर मेथी के दाने। मेथी के दाने ज़रूर डालिएगा, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंडेड करूँगी कि ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद में एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जो जिसे एकदम बारीक बारीक कट कर लिया था वो डाला। प्याज का हमें कलर चेंज नहीं करना है, एकदम हल्का सा थोड़ी सी रॉय स्मेल निकले तक हमें इसे भूनना है। फिर उसके बाद में 1/2 शिमला मिर्च मैंने इसके अंदर डाल दी है, एकदम अच्छे से हम इसे थोड़ी देर के लिए सोटे कर लेंगे। और ये 1 हरी मिर्च ही, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और आप चाहे तो इसके अंदर लाल मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर, मैंने लाल मिर्च पाउडर और ब्लैक पेपर नहीं डाला था क्योंकि मैं मेरे बच्चों के लिए बनाई थी और बच्चों को ना ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है मेरे, वो कम ही स्पाइसी खाते हैं। अब मैंने क्या किया ना, इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के अपनी टमाटो केचप ऐड कर दी है, और अगर हमें ज़्यादा देर नहीं भूनना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसे भूनना है और फिर हम गैस को कर देंगे ऑफ, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। और जैसे ही ठंडा हो जाएगा ना, हमने जो घोल बना करके तैयार करा था हम उसके अंदर इसको डाल देंगे और एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कैबेज और कैरेट भी डाल सकते हैं, आपके बच्चों की जो मनपसंद वेजिटेबल है आप वो डाल सकते हैं इसके अंदर और बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन करके तैयार होता है और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई झंझट नहीं है, कोई फर्मेंटेशन वगैरह भिगाना वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजीली बन करके तैयार हो जाता है। एकदम अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद में हम क्या करेंगे, एक तवा रख देंगे और उसे ऑयल से कर लेंगे ग्रीस, थोड़ी देर के लिए उसे गर्म होने देंगे हल्का हल्का सा, और हमने जो बैटर बनाया है ना वो चम्मच से कुछ इस तरीके से इस पर डालेंगे और पूरे तवे के ऊपर फैला लेंगे एकदम अच्छे से। और फैलाने के बाद में इसे 5 मिनट के लिए एकदम लो मीडियम गैस पे इसे पकाएंगे हम, और जब ये एकदम अच्छे से 5 मिनट के बाद पक जाएगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। मैंने ज़रा ज़्यादा क्रिस्पी किया था, अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए तो आप थोड़ी देर, मतलब 2 मिनट के बाद आप इसे पलट सकते हैं, और आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी क्रिस्पी से ये हो चुका है। मैंने इसके ऊपर ऑयल ग्रीस किया और ना उसके बाद में इसे पलट दिया। पलटने के बाद में ना मैंने इसे ज़्यादा देर नहीं पकाया था, सिर्फ 1 मिनट ही पकाया होगा, ज़्यादा देर नहीं पकाया था मैंने इसे, क्योंकि ऑलरेडी पका हुआ था और ये जला नहीं, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो चुका है हमारा ये जो ना ही डोसा है ना ही चिला है, बहुत ही ज़बरदस्त सा नाश्ता है ये। एक बार ज़रूर रेसिपी ट्राई करना और कमेंट करके बताना कैसी बनी। बच्चों को ना ये हेल्दी खिलाने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है, बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं और टिफ़िन बॉक्स में भी आप बच्चों को दे सकते हैं। आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।